हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, भारतीय इतिहास पूर्वालोकन। तो देखिए दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की थी। अगला देखिए दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली था। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, तो बी क्या है? फरवरी 1947। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो बी क्या है? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अगला देखिए, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? सी है माउंटबेटन। अगला देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी बी और सी, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन। तो बी और सी दोनों सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, तो बी क्या है? जुलाई 1947। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, सी है जुलाई 18 जुलाई 1947। अगला देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वसंभव सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। अगला देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947। अंग्रेजों ने भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। फिर अगला देखिए, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ए सही। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो ए गलत है, आर सही है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही, ये गलत है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न की। अगला देखिए, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बालकन उपज क्या था? तो सी है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुए थे क्योंकि सी क्या है? वे बड़े पैमाने पर संभावित साम्प्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अगला देखिए, सी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, फिर वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो सी सही है दोस्तों। अगला देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझावा कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अगला देखिए, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो सी है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ। अगला देखिए दोस्तों, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी थे। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह जे बी कृपलानी। अगला देखिए, समर्थन किया था डी अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया गया? तो डॉक्टर किचलू था। अगला देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो भी क्या है? खान अब्दुल गफ्फार। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात की अंतिम संसद के रूप में किसे सत्ता ग्रहण किया था? तो संविधान सभा ने। अगला देखिए दोस्तों, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान 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 हमारा जनगण मन के किराए किसने कहा गया था? तो MS सुब्बू लक्ष्मी। अगला देखिए, पहले अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? डी है लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नांकित में से कौन से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ए है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ए है राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी है सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी है B.R. अम्बेडकर। अगला देखिए, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बी.बी. गिरी। तो डी सही है दोस्तों। अगला देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो 2 और 3 सही है। माउंटबेटन योजना में लोक निर्णयार्थ सत्रार्थी की गई थी उपयुक्त सभी। अगला देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। अगला देखिए, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सी है जे.बी. कृपलानी।
अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी ने किया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी था। अगला देखिए दोस्तों, अगस्त 1947 में स्वतंत्र दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन से नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? तो बी है महात्मा गांधी नहीं सम्मिलित हुए थे। अगला देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सी क्या है? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज शिशु था यह कथन किसका है? तो बी क्या है? आर के कोपलैंड। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के एकीकरण थी? तो के एम वडेकर थी। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के सामने अंग्रेजी महाराज थे? बी है जॉर्ज खस्टम। अगला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, किस रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो सी है 1773। अगला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? डी है 1773। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो ये क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। अगला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? बी है 1774। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला देखिए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो ई है इनमें से कोई नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। अगला देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी सीमिति को निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो सी क्या है? 1776। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? तो बी क्या है? 1786 है। अगला देखिए, 1793 के एक अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो सी क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस जिला कलेक्टर में संक्रेडित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया है, महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो सी सही है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया है? सी क्या है? 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया है? तो 1813 का चार्टर एक चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो सी क्या है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न में से कौन सा एक नहीं था? तो डी क्या है? कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति थी। अगला देखिए, लोक सेवकों की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो सी क्या है? माउंटबेटन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो बी क्या है? 1853 है। निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया है? तो सी देखिए क्या है? चार्टर 1853। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत में एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो देखिए 1922 में। अगला देखिए, यहाँ पर दिया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों में भारत की कार्य की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, नियामक अधिनियम 1773, पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो बी का देखिए, ई का क्या है? दूसरा है। और बी का क्या है दोस्तों? पहला है। और सी का तीसरा है। और डी का चौथा है। अगला देखिए दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पीट्स इंडिया 1784। अगला देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया गया था? तो 1833। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? तो सी क्या? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व दिया था? तो इसमें बी सही है दोस्तों, दो। अगला देखिए, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग की विभाग विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसकी प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बी है भारतीय परिषद नियम 1892। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की है? डी 1892 में भारत में मीडिया के नियंत्रित करने के लिए एक्ट का पारित किए गए थे। तो ये हो जाएगा 1835, 1867, 1878, 1908। बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन? तो 1919 इंडिया काउंसिल एक्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया है? तो डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला देखिए, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? तो यह मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र के नाम से। द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? डी क्या है, सर लियोन्स कॉर्टिक्स। अगला देखिए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो यह है देखिए बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी है। अगला देखिए, 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लायच जॉर्ज। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम की अंतर्गत लागू की गई थी? सन 1919। अगला देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो डी करता है प्रांतों में प्रतियोजित विषयों की दो प्रवर्गों में शामिल करना। अगला देखिए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? डी है संवैधानिक सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो बी क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकता। द्वैत शासन प्रणाली किसे लागू वाला एक्ट आया था? तो डी है 1919। निम्नलिखित में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत कथन को चुनिए। तो ये क्या है, यह अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक केंद्रीय रही, ये गलत है दोस्तों। अगला देखिए, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रोत्साहित किया गया था। अगला देखिए, इसमें कौन सही है दोस्तों? तो डी सही है। अगला देखिए, द्विभाजन का अर्थ क्या होता है? प्रशासन के विषय में दो वर्गों में विभाजन। अगला देखिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया था। तो ए सही है। अगला देखिए, भारत में उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम में हुआ था? तो बी है भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक संघ का प्रावधान, प्रांतों का स्वायत्तता, एक और दो हो जाएगा। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो डी है साइमन कमीशन। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? तो गवर्नी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। और अगला देखिए, गवर्नरों को विधायी क्रियाक्रमों में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं विधि द्वारा, एक और दो सही है। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्ति हुई थी। तो क्या है, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। अगला देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, 1, 2, 3। 1935 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण था, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1900 की निम्नलिखित में से कौन सा एक बेसस्टिंग युक्ति नहीं है? तो ए नहीं है दोस्तों। 1935 के भारत शासन अधिनियम प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो डी है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। निम्नलिखित में किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक बार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये सही है। अगला देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कर देनी थी कि जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो डी है 1935। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार जूनियर अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया है? तो बी है लखनऊ 1936। और केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो इसमें देखिए सी, ए और सी। और अगला देखिए, निम्नलिखित में किसने भारत सरकार को अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है?
तो देखिए इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, भारत में भारत सरकार द्वारा 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समावेष्टि किया गया है, तो बी किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला देखिए, प्रांतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है, तो बी क्या है गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखिए, यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया, तो डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के अवसर में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो डी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।